प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किए जाने के बाद से ही इसे लेकर बहस शुरू हो गई है। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि मोदी सरकार मॉनसून सत्र के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव पेश कर सकती है। मॉनसून सत्र जुलाई में बुलाया जाएगा और इसको लेकर अंतिम फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक में होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल केंद्र सरकार की ओर से संसदीय स्थायी समिति को भेजा जा सकता है, जो इस तमाम हितधारकों से उनके विचार मांगेगी। समान नागरिक संहिता के मॉनसून सत्र में पेश होने पर संसद में सियासी घमासान मचना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूसीसी का जिक्र किए जाने के बाद से ही बीजेपी पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं। संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में लॉ कमीशन के प्रतिनिधियों और केंद्रीय कानून मंत्रालय को 3 जुलाई को बुलाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थायी समिति के शेड्यूल बताता है कि 14 जून को जारी किए गए नोटिस में हितधारकों से उनके विचार मांगे गए थे, जिस पर अब पर्सनल लॉ का रिव्यू किया जाएगा। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक 2023 का मॉनसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो सकता है। संसद सत्र के 10 अगस्त तक चलने की संभावना है। ये नए संसद भवन में पहला मॉनसून सत्र होगा। सूत्रों का कहना है कि संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक जुलाई महीने की शुरुआत में हो सकती है। इस बैठक में मॉनसून सत्र की तारीखों को लेकर फैसला किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह CCPA की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर एक कार्यक्रम के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर मुस्लिमों को भड़काया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी समुदायों के लिए एक कानून लाने की बात कही है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले इसका विरोध करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।